जय हिंद दोस्तों। मिडकैप बैंक जो 162 नंबर पर रैंक्ड है, कैनरा बैंक, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और सच कहूँ तो एक ऐसा स्टॉक है जिसने लोगों की वेल्थ जो है उसको सही मायने में डिस्ट्रॉय किया है। जी हाँ, वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है स्टॉक ने। तो चलिए अब आगे चार्ट पैटर्न से भी समझेंगे और फंडामेंटल्स को भी चेक करेंगे। मार्केट कैप बैंक का अराउंड 24,500 करोड़, फिर 52 वीक लो 75 और 52 वीक हाई 175। प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है आप देख सकते हैं कब से नेगेटिव है, मार्च 2014 से नेगेटिव नेगेटिव, फिर 4 डिजिट में आ गया। और इस साल तो मार्च 2018 से तो 5 डिजिट में ही है, -13,000 करोड़, -12,000 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर भी 2018 से नेगेटिविटी छाई हुई है, पर एक चीज यहाँ देखने मिलता है कि एटलीस्ट कम हो रहा है। 6,500 था, फिर 2,000 हो गया, 1,500 हो गया, फिर अब 1,000 हो गया, मार्च 2020 ये है। ओके, नेट प्रॉफिट में क्या सीन है? यहाँ पर भी नेगेटिव हुआ था 18 में, -4,000 करोड़, फिर पॉजिटिव हुआ 600 करोड़, फिर से नेगेटिव हो गया 2,000 करोड़। ईपीएस को देखे 22, -53, ओ माय गॉड, -53, फिर 8, फिर -20। सो काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। बोरिंग्स को देखें अराउंड कितना कर्ज है, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे कर्ज होता है, और कर्ज है मार्च 2020 के हिसाब से अराउंड 6,68,000 करोड़ के ऊपर। एंड एसेट्स कितने हैं बैंक के पास, अराउंड 7,41,450। ये जो भी पीएसयू उसको आप देखोगे ना, जितना भी कर्ज होगा ना उससे ज्यादा ही एसेट्स है उनके पास। जी हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसे आप नोट जरूर करना, जितना भी कर्ज होगा उससे ज्यादा एसेट्स होते हैं उनके पास। शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स 69.33%, फिर एफआईआई 4.59%, डीआईआई 12.6%, एंड आखिरकार रिटेल इन्वेस्टर्स 13.48%, जिनका सबसे ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है स्टॉक में। अब जाएंगे चार्ट पैटर्न्स पे, आप देख सकते हैं वेल्थ डिस्ट्रक्शन में क्यों कह रहा हूँ ये शब्द का इस्तेमाल। आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई लगाया 800 रुपये, 821 रुपये, जस्ट इमेजिन यहाँ पे किसी ने एग्जिट नहीं ली है। एंड इमेजिन क्या, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने 800 के भाव से भी स्टॉक में पैसे गंवाए हैं। एंड 2013 के बाद जब कुछ आई नो आई गेस 300 के आसपास स्टॉक था, तभी भी लोगों ने बहुत भाव बहुत इसमें पैसे गंवाए हैं इस स्टॉक में। अब चलिए स्टडी करते हैं, एंड स्टडी करने हम क्या क्या चेक करना है सबसे पहले, और वो है ये पिछले दिनों स्टॉक एग्जैक्टली सपोर्ट कहाँ ले रहा था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट एंड एग्जैक्टली इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्टॉक वहीं पर बंद भी हुआ है। आप देख सकते हैं स्टॉक वहीं पर बंद भी हुआ है, सो हम कह सकते हैं सक्सेसफुल पुल बैक स्टॉक का ऊपर हो गया है। एंड जहाँ बार बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था, मतलब 2009 में भी, 8 में भी, फिर यहाँ 2016 15 16 में भी, उसी के आसपास स्टॉक फिर से ऊपर आ गया। एंड यहाँ पर तो फरवरी महीने में स्टॉक ने यहाँ ब्रेकडाउन दे दिया था फेब के एंड में। सो ऐसा नहीं है कि पिछले साल जो हुआ था उसकी वजह से खराबी थी, बट उसके पहले भी खराबी थी एंड उस लेवल को स्टॉक ने तोड़ दिया था। और डीप में जाएंगे और समझेंगे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, यहाँ पर ये जो हाई पॉइंट है उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे इसको, तो हमें पता चल रहा है ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली स्टॉक जो है अपने ब्रेकआउट होने की कगार पर आ गया। जी हाँ, एग्जैक्टली स्टॉक ब्रेकआउट होने की कगार पे आसपास घूम रहा है। सो पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पुल बैक सक्सेसफुल हो गया है। एंड नेक्स्ट और एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि स्टॉक जो है ब्रेकआउट करने की कगार पे जा रहा है। अब देख लीजिए लाइन कहाँ से ड्रॉ हो आई है, ठीक है। अब बेसिक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे ट्रेंड कैसा है स्टॉक का। एकदम बेसिक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ की, यहाँ पे आ गया, इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ मैं साथ में। आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा पीछे भी ले लिया तो स्टॉक ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर बना लिया पहला कर्व, यहाँ पर बना लिया पहला कर्व और यहाँ पर बना लिया दूसरा कर्व। ओके, अब और डीप में जाएंगे, और डीप में आ गए हैं। अब स्टॉक को ऊपर की तरफ निकलना है, स्टॉक को ऊपर की तरफ निकलना है तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए, वहां पर बस एक लाइन ड्रॉ करूंगा और आपको पता चल जाएगा। ये लाइन देखिए, ये जो लाइन है स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट, स्टॉक पिछले दिनों इसी के आसपास सपोर्ट ले रहा था, फिर ब्रेकडाउन कर दिया इसका। इस लाइन को मैं कर देता हूँ ग्रीन क्योंकि ये करंट लेवल्स के ऊपर है, और वो लेवल क्या है सबसे पहले लिख देता हूँ 154, 154 रुपये। इसके ऊपर स्टॉक जाएगा तब जो है हम बात करेंगे तेजी की, तब बात करेंगे टारगेट्स की। अब यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना भूल गया हूँ, ये जो स्टॉक है वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। फिर से कहूंगा ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये स्टॉक सिर्फ ट्रेडिंग के लिए है। अब स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो कौन से लेवल को स्टॉप लॉस मान के आप निकल सकते हो, स्टॉप लॉस है 137, यस 137। इसको अगर तोड़ देता है स्टॉक तो इसमें मत रुकिएगा,
आपका समय भी वेस्ट होगा, वेल्थ भी डिस्ट्रॉय होगी। ओके सो 137 इसको प्लीज ध्यान में जरूर रखिएगा। अब स्टॉक 154 को क्लियर करता है तो कौन से लेवल आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं, और सबसे पहले जो लेवल देखने मिल सकता है वो है ये 163 एंड मैक्सिमम 170, 163 एंड 170 देखने मिल सकता है। अब लाइक और जैसे जैसे कि हम सभी को पता है पीएसयू की थीम चल रही है, मतलब जो माहौल बना हुआ है, जो माहौल बना हुआ है किस किस कंपनियों में बना हुआ है वो भी बता देता हूँ। BPCL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, फिर SCI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भेल। अगर आपको लगता है सरकारी बैंकों में भी कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जिन कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने ऐसा एक फंड ऐसे स्टॉक्स में एलोकेट कर दिया, मतलब किसी कारण आगे पीछे कुछ हो जाता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि उनमें नुकसान झेलने की क्षमता है और उन्होंने ऐसे स्टॉक्स में सिर्फ 5,000 रुपये एलोकेट किए हैं। जी हाँ, जैसे कैनरा बैंक है, भेल, सेल, SCI, BPCL, और मतलब जो भी थीम चल रही है उसके हिसाब से हर एक स्टॉक में मतलब उनकी चॉइस के हिसाब से 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। ओके सो अगर आपको भी इस थीम में पार्टिसिपेट करना है ना, आपकी कैपेसिटी है, अगर किसी कारण कुछ ऊपर नीचे हो जाए एंड लॉस को आप सह पाओ तो ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और या फिर स्टॉक को ट्रेड कीजिएगा। जैसा मैंने कहा है ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है, एंड स्टॉप लॉस का लेवल भी आपके सामने बता दिया है। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पूरी कोशिश होती है आपके सामने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पेश की जाए प्रोसेस करके, ताकि आपके सामने पॉजिटिव अलग रख दिए जाए, नेगेटिव अलग रख दिए जाए, ताकि आपका जो डिसीजन मेकिंग हो वो आसान हो एंड आपको पूरी नॉलेज हो उस शेयर के बारे में ट्रेड या इन्वेस्ट करने से पहले। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।